प्रोग्राम में उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी को मेरा कोटान कोट प्रणाम। आज का मेरा प्रवचन का विषय है, मानव जीवन में श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का ज्ञान का उजाला कितना महत्वपूर्ण रहेगा या होगा, इस विषय पर केंद्रित रहेगा। तारतम वाणी के किरंतन ग्रंथ में एक चौपाई आई है, ए वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूड मति न जाने विचार, महामति कहे पुकार पुकार। महामति जी कहती हैं, ए वाणी गर्जत माज संसार, ये श्री प्राणनाथ जी की जो तारतम वाणी है, जब ये पूरे संसार में जन जन तक सभी सुंदर साथ के हृदय में इस तारतम वाणी का जब उजाला पहुंचेगा तो इसका परिणाम क्या होगा। जो सुंदर साथ अपने अंतरात्मा से एक परम सत्य की खोज कर रहे हैं, वो परम सत्य क्या है। सृष्टि के प्रारंभ से आज दिन तक बहुत लोगों ने प्रयास तो किया ये खोजने का कि परब्रह्म परमात्मा कौन है। उसको जानने के लिए सर्वप्रथम हम किस रूप में खोज करें, हम अपने आप को एक मानव समझें, अपने आप को एक स्त्री रूप माने, पुरुष रूप माने, या जीव स्वरूप माने, या आत्मा स्वरूप माने। इस संशय का निवारण करने के लिए किरंतन ग्रंथ के पहले प्रकरण की पहली चौपाई में कहा, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे परब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। पहले हमें अपने आप को जानना होगा, और अपने आप को जानने के लिए कौन सी दृष्टि से हम देखें अपने आप को जानने के लिए, कि हम जीव हैं, हम आत्मा स्वरूप हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम मानव हैं, या देवी देवता हैं, या क्या चीज है। क्योंकि इसमें बहुत सारी संशय वाली बात है, क्योंकि इस संसार में मानव तन में ही पैदा होकर के कई मानव के मानव रहे, कई दानव बन गए तो कोई देवत्व को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी, भगवान बुद्ध, ये मानव कुल में पैदा हुए, फिर भी ये देवत्व को प्राप्त हुए, भगवान कहलाए। और एक साधारण मनुष्य मनुष्य की तरह ही कार्य करता है और मनुष्य ही बना रहता है, और मानव कुल में ही पैदा हो करके रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इत्यादि कई सारे ऐसे हुए जो आज दुनिया उनको दानव के रूप में जानती है। इसलिए ज्ञान के प्रकाश के अभाव में हम ये नहीं जान पाते हैं कि आखिर हम है कौन, हम आत्मा स्वरूप हैं, ये शरीर हैं, या कोई और चीज है। तो इन सब चीज को जानने के लिए हमें ज्ञान का प्रकाश चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ से ही ज्ञान का प्रकाश तो दुनिया में होता रहा, वेद अवतरण हुए ऋषियों के मुख से, और उसके बाद दर्शन ग्रंथ रचित हुए, उसके द्वारा लोगों ने जानने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं जान पाए कि जीव क्या चीज है और आत्मा क्या चीज है। लेकिन प्राणनाथ जी की तारतम वाणी ने जीव और आत्मा का ऐसा निवेरा कर दिया, ज्यों सूरज दृष्टे रात, रात्रि में अंधकार होता है, सूरज उगने पर दिन के प्रकाश में हर चीज को हम यथावत रूप में जानते हैं जो जैसी होती है। उसी प्रकार से तारतम ज्ञान के प्रकाश में हम ये जानते हैं कि मानव कौन है, दानव कौन है, जीव क्या है और आत्मा क्या है, इस प्रकृति से परे परब्रह्म का स्वरूप कहाँ और कैसा है। तो ये सब ज्ञान के प्रकाश में ही हमें संभव है, और जब तक तारतम ज्ञान का प्रकाश हमारे पास नहीं था, तब तक हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। अपने इतिहास को देख लेंगे, सदगुरुदेव चंद्र जी, जब उनका जन्म हुआ 11 वर्ष की आयु में, उनके मन में एक विचार आया कि मैं कौन, कहाँ से आया और कहाँ है मेरो भरतार, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा प्रियतम परब्रह्म परमात्मा कहाँ है, इस शरीर और संसार को छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है। ये उन्होंने जानने का प्रयास किया, लेकिन वेद भी थे, उपनिषद भी थे, दर्शन ग्रंथ और 18 पुराणों की कमी नहीं थी, दुनिया के सभी साधु संतों की वाणी भी संसार में मौजूद थी, लेकिन तारतम ज्ञान के अभाव में ये नहीं जान पाए कि मेरा घर और मेरे प्रियतम कौन है। इसीलिए सुंदर साथ समाज में
और जो अपने आत्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना चाहते हैं और उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए तारतम्य ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में इसकी कितनी बड़ी भूमिका है, उसको जानना हमें बहुत अनिवार्य है। तो हम जाने कैसे, जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हमारे पास होगा, जैसे श्यामा जी ने खोज तो किया, 11 वर्ष की उम्र से उन्होंने खोज करना शुरू किया, मंदिरों में जाते रहे, मूर्तियों की परिक्रमा करते रहे, ज्ञानी जनों को ये पूछते रहे कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये सब कुछ पूछने पर भी जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं था, तारतम्य वाणी अवतरित हुई नहीं थी, ब्रह्मात्माओं के अभाव में ब्रह्म ज्ञान का अवतरण इस संसार में नहीं हुआ था, तो जैसे संसार के सभी ज्ञानी जन खोजते हुए भी उस परम तत्व तक पहुंच नहीं पा रहे थे, उसी सिलसिला में श्यामा जी भी खोज करना प्रारंभ करती है और 11 वर्ष की उम्र से लेकर के खोज करते करते 40 वर्षों तक खोजा, उन्होंने सभी मत पंथों को देखा, सभी धर्मों को देखा, मंदिरों में, मस्जिदों में और धर्म के सभी प्रमुख स्थान और गुरुजनों के पास जा जा करके उन्होंने ये पूछा कि कोई तो मुझे ये बता दे कि मेरे परब्रह्म प्रियतम जो जिनसे मेरा संबंध है, जिन्होंने मुझे इस संसार में भेजा है, वो कौन है, लेकिन नहीं बता पाए। खोजते 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 जब राजी ने देखा कि श्यामा जी बहुत ज्यादा खोज कर रहे हैं और उन्होंने अपने अंतरात्मा को इतना निर्मल कर लिया, तो आखिर में आकर के स्वयं उन्होंने अपना ज्ञान दिया, तारतम्य ज्ञान का सर्वप्रथम इस संसार में प्रकटन हुआ, तो उनकी उम्र भी, शरीर की उम्र भी कम से कम 40 वर्ष की हो चुकी थी। उसके बाद उनको जो अखंड ब्रज, अखंड रास और अखंड परमधाम, युगल स्वरूप, अपनी आत्मा एवं परात्म नजर आने लगी, उन्होंने देखना प्रारंभ किया, जो अपने पूरे जीवन में जो समय साधना में उन्होंने लगाया, उसका सारा परिणाम उनको तुरंत मिलना शुरू हुआ। अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है और परमधाम, अपनी आत्मा को स्वरूप और अपनी परात्म का स्वरूप उन्होंने जैसे ही देखना शुरू किया, तो उनको लगा कि इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में वो चीज है जो दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिली थी। तो ये तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हम सब सुंदर साथ के लिए, हम सुंदर साथ के घर परिवार में जो नए जनरेशन आ रही है, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कानों तक इस वाणी की आवाज पहुंचे, और आवाज पहुंचने से ही कुछ नहीं होने वाला, इसकी पहचान हो कि इस तारतम्य वाणी में कहाँ का ज्ञान है, किस तरह से हमारी आत्मा को जागृत करने वाला ज्ञान है। तो ये ज्ञान हम आत्मा साथ करेंगे तो क्या होने वाला है, श्यामा जी के हृदय में इस तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो उन्होंने परमधाम की आत्माओं की जागनी लीला प्रारंभ की। जिस तरह से श्यामा जी तड़प करके खोज रही थी, उसी तरह से तड़पने वाली बहुत सारी आत्माओं ने इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में परमधाम का लाभ लिया, श्री राज जी का साक्षात्कार किया, अपने आत्म का साक्षात्कार किया, अपनी परात्म का साक्षात्कार किया, और यहाँ तक नौतनपुरी में सदगुरु देवचंद्र जी के साथ लीला होते हुए सुंदर साथ ने आड़ी का लीला के रूप में बहुत सारी आत्माओं ने परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार बाहर की आंखों से देखा और ध्यान दृष्टि में बैठ करके अंदर की आंखों से देखा, तो तारतम्य वाणी में वो प्रकाश है। लेकिन हमारा इतना बड़ा समाज है जो इस तारतम्य वाणी की महत्ता को अभी भी पूर्ण रूप से नहीं जान पाया, जिस तरह से संसार के अन्य धर्म ग्रंथ हैं, उसी तरह से उनके दर्जे में हम तारतम्य वाणी को भी समावेश कर लेते हैं, हालांकि तारतम्य वाणी का तो केवल हम पाठ भर कर लेते हैं और ज्ञान का प्रचार हम कुछ और ही करते हैं, तारतम्य वाणी को हम नहीं जान पाए कि इसकी महत्ता हमारे जीवन में कितनी है और ये हमें कितना लाभ देने वाली है। यदि सब सुंदर साथ इस चीज को जान जाए, इस चीज का आकलन करके इसका सदुपयोग करें, तो वो भी हमारे जैसे ही मानव थे, जिनको हम आज अपना आदरणीय समझते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जो हमारे परमहंस हुए, हमारे आदर्श हुए, जिन्होंने अपने इस जीवन के इस शरीर में रहते रहते परमधाम का साक्षात्कार किया,
अपने आत्मा स्वरूप को देखा, अध्यात्म की भाषा में जिसको कहा जाता है प्राप्तम प्राप्तव्यम, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते थे, जो हमारी अंतिम मंजिल है, जहां जाकर के हमने अपना परचम गाड़ लिया है, उस स्थान पर पहुंचे और वो लाभ उन्होंने लिया, और वो लाभ हम भी तो ले सकते हैं। उसी मानव जीवन में हम भी हैं, और हमारी भी उनकी जितनी ही संबंध है राज जी से। जैसे श्यामा जी का जो संबंध था, इंद्रावती जी का भी वही संबंध है, और 12,000 आत्माओं का भी वही संबंध है। लेकिन श्यामा जी और इंद्रावती जी तारतम ज्ञान के प्रकाश में उन्होंने जो लाभ लिया, वो लाभ हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? उन्होंने जो लाभ ले करके सुंदर साथ के समाज में, पूरे जन समुदाय में जो एक प्रेरणा के स्रोत बने, सबको परमधाम का मार्ग दर्शा सके और परमधाम का दिग्दर्शन कराया श्यामा जी ने अपने समय में सब सुंदर साथ को। महामती जी ने परनाजी में जो सुंदर साथ की जमात थी, उनको प्रत्यक्ष बैठे बैठे बंगला जी दरबार में बैठे बैठे सबको परमधाम का दर्शन कराया, और हम भी इस तारतम वाणी के माध्यम से इसी प्रकार से परमधाम का दर्शन कर सकते हैं, हम अपने आत्मा स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। ये सब कुछ कराने वाली यदि दुनिया में कोई ज्ञान है, तो वो तारतम वाणी के अंदर वो ज्ञान निहित है। इसीलिए इतना बड़ा ऊंचा ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो हमें मिला, इसका सदुपयोग करने के लिए जो सदगुरु देव चंद्र जी ने और प्राणनाथ जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया, ये वाणी का ज्ञान दे करके हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, उसको हम आत्मा सात करें, और आत्मा सात करके हम अपने आत्मा को जागृत करें और सुंदर साथ की आत्मा को भी जागृत करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में सभी सुंदर साथ को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि तारतम वाणी का बराबर चिंतन, पठन पाठन और मनन, और ये हमारे आदर्श जो परमहंसों का हम उदाहरण अपने जीवन में लेकर के अपनी आत्मा को जागृत करें। इन्हीं शब्दों के साथ सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर वचन सब सुंदर साथ ने। बहुत आनंद लिया आपकी वाणी चर्चा से। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और अब हम सब सुंदर साथ की प्यारी छोटी छोटी नारी शक्ति, जिसकी स्वामी जी हमेशा बात करते हैं कि नारी की जिस घर में पूजा होती है, उस घर में किसी चीज की कोई, अगर हमारे देश की नारी खड़ी हो जाए तो ये देश पूरा ही खड़ा हो जाएगा। तो वो नारी शक्ति जो श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र वडोदरा से श्री आत्म जागृति महिला मंडल के उस साये में पल बढ़कर बड़ी हो रही है, और राजजी महाराज की बीतक वाणी चर्चा सबकी शिक्षाएं ले रही है, बालिकाएं ज्ञान केंद्र की बालिकाएं समूह वाणी गायन पेश करेंगी सब सुंदर साथ की सेवा में। किरण आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनको तैयार करने के लिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सोनिया, सोनिया दो मिनट लगा, दो मिनट, वो सेटिंग कर रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट, ठीक है ना? वो चंद्र गुरु जी की हो रही थी ना, उधर करनी, ठीक है? हाँ जी, कोई बात। हाँ, अभी नहीं आया, अभी वही आएगा नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम से एक दो मिनट हो गया। हाँ जी, कोई बात नहीं, आराम से लीजिए, क्योंकि एक ही ज्ञानपीठ के एक ही कमरे में इन्होंने पूरी सेटिंग, कितने दिनों से उस सेवा में लगी हुई है किरण जी, हम सबको पता है। तो आप आराम से सेटिंग कीजिए, हम सुंदर साथ सब आज आत्मिक लाभ लेने के लिए बैठे हैं इन बच्चियों को। सोनिया, वो रंजीत वाला ही फोन, सुनो रंजीत जी वाला कर सेटिंग, रंजीत जी वाले पर। हाँ जी, वो रेडी है? हाँ ठीक है, रेडी, देखते हैं, जरा खोल के देखो। सोनिया खोलो। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए, चंद्र जी के नाम से है ना? चंद्र जी वाला ही है ना मोबाइल? रंजीत चंद्र जी वाला तेरा हो गया। हाँ जी, हाँ
वही वाली। हाँ जी आप स्टार्ट कर सकते हैं रंजीत जी, हमारे प्यारे लाडले कलाकार श्री रंजीत जी प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से। हाँ जी किरण आंटी आपका कैमरा टेढ़ा आ रहा है। कैमरा थोड़ा टेढ़ा है रंजीत, रंजीत दे टेढ़ा कह रहे थोड़ा कैमरा लगा सेटिंग। हाँ सोनिया देखो अभी बच्चियां गा रही हैं या रंजीत जी गा रहे हैं? नहीं नहीं बच्चियां बच्चियां। अच्छा अच्छा बच्चियां बैठ गई ना। हाँ जी एक मिनट आप देखो जरा, ठीक लग रहा था मुझे तो मेरे फोन में। हाँ जी वो ना ऐसे आ रहे हैं रंजीत के फोन में, रंजीत के सारे बच्चे ऐसे टेढ़े आ रहे हैं। नहीं नहीं रंजीत जी के फोन में, रंजीत के सोनिया रंजीत जी के फोन पर। किरण आंटी वो जो उनका कैमरा है ना वो ज्ञान केंद्र वडोदरा के नाम से, उसको हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर दीजिए, बस इतना ही करना है, यू है उसको यू कर दीजिए। रंजीत देखो क्या कह रहे हो, क्या मैं लगा दूं अपना? रंजीत जी सही कर रहे हैं, सीधा करिए, कर लो फेलो वाली से। सही कर रहे थे रंजीत जी, आप सीधा कर दीजिए उसको, आप जूम में देखेंगे ना वो टेढ़ा दिख रहा है। देखते किससे कर रहे हैं उसे। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया आंटी, परफेक्ट थैंक यू। हाँ जी स्टार्ट कीजिए। ये मेरे वाले से कर दिया मैंने जी, मेरे वाले से किया, मेरे से किया। हाँ जी बेटा आप स्टार्ट कर सकते हो। किरण जी आप डिसकनेक्ट ऑडियो कर दीजिए, नहीं तो एको आएगा उस रूम में, एक ही मोबाइल पे जूम चले जिससे ऑडियो ऑन हो, बाकी सब डिसकनेक्ट ऑडियो। प्रणाम जी। Thank you.
प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर, अति मधुर, अति सुंदर आपका और आपके रंजीत भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपको सिखाया और प्रैक्टिस भी करवाई। बहुत अच्छा गाया बेटा आपने। सब सुंदर साथ ने आपको चैट में बहुत सारे आशीर्वाद भेजे हैं, आप जरूर उनको पढ़ लीजिएगा। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम।
और अब इन्हीं बालिकाओं में से ही एक बालिका कुमारी कुंज, वो हम सबके सामने एक प्रवचन रखेंगी, छोटा सा भाव प्रवचन के रूप में। हम शनिवार के गायन में और चर्चा में भी इन बच्चियों को सुनते आए हैं, एक एक शब्द तोल तोल के बोला जाता है और सीधा दिल में उतर जाता है। आप 2 मिनट ले सकते हैं सेटिंग करने के लिए, कोई बात नहीं भैया और किरण आंटी, आप लीजिए 2 मिनट। और आज बहुत खुशी हो रही है देखकर, अमेरिका सुंदर साथ रात को 12:30 बजे के आसपास है वहां पर, और वो सारा सुंदर साथ आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए पूरी रात देखिए जाग रहा है। हम लोग डॉक्टर्स भी हम सुंदर साथ देख पा रहे हैं, डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, और नेपाल हो, भारत हो, भारत का कोना कोना मैं एक एक सुंदर साथ रिप्रेजेंटेटिव जरूर देख पा रही हूँ, कैमरा पंजाब, गुजरात, सिलीगुड़ी, असम, हर जगह से सुंदर साथ आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नेपाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रिका आंटी, डॉक्टर कन्नू भाई अमेरिका से, जय पटेल जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम अधिकारी जी और नेपाल के बहुत सारे सुंदर साथ, प्रणाम जी। आई थिंक कुंज रेडी हो गई है, तब तक हाँ जी बेटा अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु महाराज की जय। प्रणधर सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कुटान कुट प्रणाम प्रणाम। आज का मेरा विषय है सागर ग्रंथ और चौपाई है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के, धनिये ही तुम्हारा विश्राम, धनिये ही तुम्हारा विश्राम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। प्रणाम जी। आप धाम के धनी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सभी सुंदर साथ को इस चौपाई के अंदर कह रहे हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, अर्थात कि इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर इस छठे दिन की लीला में जो हम सभी सुंदर साथ का धाम हृदय है उसे ही परम धाम अर्थात कि अर्श कहा गया है। पांचवें दिन की लीला के अंदर जब श्री जी साहेब जी अंतर्ध्यान होने वाले थे, तब उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी को बुला करके कह दिया था कि महाराजा जी सो कहिया हम देखत हो एक तुम, तिस वास्ते सेवा साथ की सौप चलत है हम, कि हम जो है अब सारे सुंदर साथ का जो कार्यभार है वह आपके चरणों में सौंप दे रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा था कि अब यदि आपको मेरी पहचान करनी है, यदि मुझे आपको कहीं पर भी ढूंढना है तो आप मुझे इस इलम अर्थात कि यह वाणी में ढूंढना, अर्थात कि यह जो मेरा वांग्मय स्वरूप है एक तो मैं उसके अंदर विराजमान हूँ, और यदि फिर मुझे कहीं पर ढूंढना है तो यह जो सभी सुंदर साथ का जो दिल है उसे ही अर्श कहा है, अर्थात कि हम सभी सुंदर साथ के दिल के अंदर अक्षराती श्री राज जी की बैठक है। इसीलिए इस चौपाई के अंदर कहा है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, हम सभी सुंदर साथ का जो धाम हृदय है उसके अंदर हमारे अक्षराती प्राणों के प्रियतम जिसे हम कहते हैं वह विराजमान है। यहाँ पर यह नश्वर शरीर के दिल की बात नहीं की गई है, यहाँ पर हमारे आत्मा के धाम हृदय की बात कही गई है, अर्थात कि हमारे जो आत्मा का धाम हृदय है उसके अंदर अनादि काल से हमारे प्रियतम अक्षरातीत और परम धाम के 25 पक्षों की शोभा और सभी जो सुंदर साथ है ब्रह्म सृष्टिया है उनकी शोभा अनादि काल से विराजमान थी, है और रहेगी। किंतु फिर भी यह जो हमें
जीव है, इस शरीर के अंदर जो हमारा जीव है वह विराजमान है। और ये जो जीव है वह पहले बहुत योनियों में भटकता हुआ इस शरीर के अंदर उसने प्रवेश किया है। तो इसके अंदर करोड़ों जन्मों के अनादि काल से जो संस्कार है वह विराजमान है। इसीलिए ये जो संस्कार है वह कैसे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारे जीव के अंदर जो सारे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों को जब हम अपने जीव में से, अर्थात कि हमारे जीव को जब हम निर्मल कर देंगे, इसको जब हम अपने जीव में से निकाल देंगे, तब हमें अपनी जो आत्मा है उसका दीदार होगा। और जब उसका दीदार होगा तो हमें अपने प्रियतम की शोभा नजर आएगी, उस परम धाम के 25 पक्षों की शोभा नजर आएगी, और तब हम अपने प्रियतम अक्षरातीत का दीदार कर पाएंगे। इसीलिए कहा है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अब श्री महामती जी कह रही है कि हे धनी, यह जो दिल है वो आपका अर्श अर्थात की परम धाम है, और अब आपको इसके अंदर विराजमान होना है। यह जो चौपाई है इसके अंदर हमारे धाम हृदय के इसको एक चारपाई कहा गया, इसे एक सेज्जा बनाई गई है। सेज्जा किस प्रकार की? प्रेम की, प्रेम रूपी सेज्जा बनाई गई है। इसके अंदर श्रद्धा रूपी तकिया रखा गया है और समर्पण रूपी चादर बिछाई गई है और प्रेम और विरह रूपी आंसुओं से इसको सजाया गया है, जिसके ऊपर हमारे प्रियतम अक्षरातीत आकर के विराजमान होंगे। किंतु कब? जब हम अपने जीव को निर्मल करेंगे, क्योंकि प्रकाश की जो वाणी है उसके अंदर भी हमारे जीव को कितनी फिटकार लगाई गई है, और उसके अंदर एक गुण फिराए का प्रकरण भी आता है कि हमें हमारे जो सारे विकार है उनको किस प्रकार से अपने प्रियतम अक्षरातीत की ओर मोड़ना है। इनका दमन नहीं, हमें शमन करना है और इन सभी विकारों को अपने प्रियतम के ऊपर मोड़ना है। कि जिस प्रकार से हमें क्रोध आए तो हमें क्रोध भी किस प्रकार का करना है कि हे धनी, इस सखी का ध्यान लगता है तो मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता है। इस प्रकार से हमें अपने सारे विकारों को मोड़ करके अपना जो ध्यान है वह प्रियतम अक्षरातीत की ओर लगाना है। किंतु ये ध्यान कब लगेगा? जब हम ध्यान करेंगे, चितवनी करेंगे। और ध्यान और चितवनी कब करेंगे? जब हमारे पास समय होगा। किंतु आज के सुंदर साथ क्या कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। किंतु कैसे सुंदर साथ जी, अब तो कोरोना की स्थिति चल रही है तो हमारे पास तो पूरे दिन ना नौकरी जाना होता है, ना अब तो बच्चों का स्कूल का कोई टेंशन होता है, तो हमारे पास तो पूरा समय होता है। तो हम क्या एक घंटा भी अपने प्रियतम के लिए ध्यान नहीं कर सकते हैं? अब कुछ कहेंगे कि हम तो 2-3 दिन ध्यान करते हैं, 10 दिन ध्यान करते हैं, किंतु हमें तो अक्षरातीत का ध्यान ही नहीं लगता है, अक्षरातीत का दीदार ही नहीं होता है, ऐसा करके वो ध्यान करना ही छोड़ देंगे। किंतु हमारे जीव की जितनी पात्रता होती है उसी पात्रता के अनुसार हमें अपने प्रियतम के दर्शन होते हैं। इसीलिए ही वाणी में क्या कहा है कि संज में पिलावत। जिस प्रकार से बीतक के अंदर प्रसंग आता है कि जो राजा भाव सिंह था उनको भी श्रीजी साहेब ने कहा कि अभी आपकी जो जीव है उसकी पात्रता नहीं है, अर्थात कि आप अभी उसका दर्शन नहीं, परमधाम का जो दर्शन है वो नहीं कर सकते हो। किंतु फिर भी उन्होंने जिद की तो क्या हुआ, उनको तो सिर्फ बेहद अर्थात कि योग माया के ब्रह्मांड की थोड़ी सी झलक दिखाई थी, किंतु फिर भी उनका जो शरीर था उस नूर अर्थात कि उस तेज को सहन नहीं कर पाया और उन्होंने वहीं पर अपना तन छोड़ दिया। उसी प्रकार से जो हमारा जीव है उसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अभी जो उस नूर है, उस तेज है, उसको सहन कर सके। इसीलिए जब हम अपने जीव को निर्मल करेंगे, उसको कोमल बनाएंगे, उसको प्रेम में चितवनी के द्वारा उसको प्रेम में जब हम डुबोएंगे, तब जो हमारा जीव है वह निर्मल होगा। और जैसे जैसे उसके अंदर से विकार निकलते जाएंगे, वैसे वैसे जो धनी है वह धीरे धीरे अपना जो प्रेम रूपी रस है वह हमें धीरे धीरे देते जाएंगे। वैसे ही जो जब हमें
ध्यान चितवन है उसे करना बंद नहीं कर देना चाहिए। अपना जो तार है वह ध्वनि के साथ जोड़े रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें अपने प्रियतम अक्षरातीत के दर्शन हो ही जाएंगे। और यदि ऐसा होता कि ध्यान के द्वारा यदि हमारा तन छूट जाता तो बड़े बड़े आज के जो परमहंस हुए हैं, जो राम रतन दास जी बड़े महाराज जी है, सरकार श्री है, युगल दास जी है, इन सब ने भी तो ध्यान किया। क्या इनका शरीर छूट गया? उन्होंने तो ऊपर से बहुत ही अपना शरीर जो है वह अपना तन सेवा में ज्यादा डाल करके उन्होंने इस जागने के कार्य को निभाया है। इसीलिए हमें जब अभी अपने प्रियतम का ध्यान करना है, उनकी चितवनी करनी है, और तब हमें अपने प्रियतम अक्षरातीत का दीदार हो जाएगा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इसके अंदर है धनी, आप आकर के आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। सेज बिछाई रुच रुच के, ये जो शैया जो हमने बिछाई है वो बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही कोमलता से बहुत ही इसे सजाया है, और इसके ऊपर अब आकर के आपको विराजमान होना है। तुम आए करो विश्राम, और अब आपको इस सेजा के ऊपर आकर के विश्राम करना है। अब सुंदर साधी जो चौपाई है इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें अपनी जो आत्मा है उसे ध्यान चितवनी की ओर मोड़ना है। अपने जीवन में से कुछ ना कुछ समय निकालना है, 1 घंटा 2 घंटा अपने प्रियतम अक्षरातीत के लिए देना है और उनका ध्यान करना है। एक ना एक दिन हमारा जो जीव है वह भी निर्मल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि 1 ही 2 दिन में हो जाएगा, समय लगेगा सुंदर साथ जी, किंतु एक ना एक दिन हमारा जो जीव है वह निर्मल हो जाएगा, क्योंकि यह जीव है उसके अंदर भी पिछले जन्मों के कई संस्कार भरे हुए हैं और इसको निकलने में भी तो समय लगेगा, किंतु धीरे धीरे से हमारा जो जीव है वह निर्मल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। और जब हमारा जो जीव है यह निर्मल हो जाएगा, या जो माया रूपी पर्दा है वह हमारे अंदर से हट जाएगा, तब हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और आत्मा के धाम हृदय में तो अनादि काल से अक्षरातीत की शोभा, प्राण प्रियतम की शोभा, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा अनादि काल से विराजमान थी ही, और आज भी है और अनादि काल तक रहेगी। किंतु यह जो माया रूपी पर्दा है सिर्फ उसी को हटाना है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो हमें अपने प्रियतम अक्षरातीत का दीदार हो जाएगा। और फिर हम हर पल हर क्षण वही चाहेंगे कि हम अपने प्रियतम अक्षरातीत की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाए रखें और उसी को अपने जीवन में आत्मसात करें, और पल पल उस धनी की शोभा को उसी धनी के प्रेम में, उसी धनी के साथ हम क्रीड़ाएं करते रहे, लीलाएं करते रहे। तो हम सभी सुंदर साथ को अब ध्यान चितवनी में डूबना है, ध्यान करना है और अपने प्रियतम अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बसाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को, अपने वचनों को यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर चर्चा की। मैं कुछ सुंदर साथ के मैसेज आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगी, स्पेशली मुल्क राज गिरधर अंकल, उन्होंने आपके लिए लिखा है, प्रशंसनीय होनहार बिरवान के होत चीखने पात। मुल्क राज गिरधर अंकल के आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत 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 कीमती आशीर्वाद है, अति प्रेममय मार्गदर्शन हमारी छोटी सी कुंज से। बहुत सुंदर बेटा, आपने बहुत अच्छी चर्चा की। राजी ऐसे ही आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें, और किरण आंटी और स्वामी जी आप सबका आशीर्वाद से ये जो बच्चियां और बच्चे तैयार हो रहे हैं, बालक, हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है जो आप इतनी मेहनत इन बच्चों पे, इस समाज का स्तंभ उनको बनाने के लिए कर रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी। सचिन भैया आई थिंक नहीं है वो अभी। हाँ जी, श्रवण जी, श्री श्रवण जी सरसावा से, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से, अभी वो हमारे साथ जुड़ेंगे।
और शास्त्रीय संगीत में पारंगत हमारे ये प्यारे सुंदर साथ हम सबको अपने वाणी गायन से मंत्रमुग्ध करेंगे। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, आप किस नाम से हैं श्रवण? रंजीत जी। अच्छा, रंजीत जी आएंगे। हाँ जी रंजीत, श्री रंजीत जो आजकल शास्त्रीय संगीत की प्रॉपर यूनिवर्सिटी की शिक्षा ले रहे हैं, वो हम सबके सामने अपना प्यारा वाणी गायन रखेंगे। प्रणाम जी बेटा, आप स्टार्ट कर। प्रणाम जी। सिंगार ग्रंथ से प्रकरण 14 किरंतन लिया है, देखो नैना नूर जमाल। बहुत पहले से चला आ रहा है, सभी सुंदर साथ को आता ही होगा, बहुत प्यारा किरंतन है और बस आनंद लीजिए उसका। आप सब भी जाइए मेरे साथ। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूह पर सन को अरवाह होए, जो अरस की अरवाह होए, जो अरश की सो जिन जाओ खिल भो, जो रूह पर सन भो। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। गुण नैनो के क्यों कहूं, रस भरे रंगीले, गुण नैनों के क्यों कहूं, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोड़ते, मीठे लगे मरोड़ते, अति सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। नैनों की गति क्यों कहूं, गुण बनते गंभीर, नैनों की गति क्यों कहूं, गुण बनते गंभीर, चंचल चपल कैसे लगे,
चंचल चपल कैसे लगे, सालत सकल शरीर देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा। दया सिंधु सुख सागर इश्क गंज अपार, दया सिंधु सुख सागर इश्क गंज अपार, शराब पिलावत ने सो, शराब पिलावत ने सो, साथी सिरदार देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा। कहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के, कहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मिने, अपार गुण गिनती मिले, क्यों कर आवे देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा। जो दूर हो परसन को, जो दूर हो परसन को, अरवा हो जो अर्श की, अरवा हो जो अर्श की, सो जिन जाओ खिन भो, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना, देखो नैना नूर जमा, नूर जमा, नूर जमा, नूर जमा, नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी प्रणाम जी। अति सुंदर अति मधुर आपके रूप में हमारे समाज के लिए जो हीरे तराशे जा रहे हैं उसके लिए पूरे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ को हार्दिक आभार। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। और अब जिस घड़ी का हम सबको दिल से हृदय से इंतजार है, हमारे परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से, अब हम उनके मुखारबिंद से वाणी के अमृत रस का पान करेंगे। आपके चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से प्रेम प्रणाम जी स्वामी जी।
हाँ जी पुकार जी, आप सेटिंग करके फिर स्टार्ट करवा सकते हैं जब हो जाएगा। हाँ जी अनम्यूट कीजिए, एक मिनट। हाँ जी अनम्यूट कीजिए पुकार जी। आदर सुंदर सर जी, अभी एक दो दिन हुए पूरे देश में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम मुख्य मुख्य स्थानों पर मनाया गया। ये शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम महाराष्ट्र के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। आज जागने के ब्रह्मांड में हम चल रहे हैं। वैसे तो 300 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, किंतु हम जागने राज को बहुत कुछ मायनों में नजरअंदाज कर रहे हैं। जागने राज वह राज है जिस पर लैलतुल कद्र के तीनों तकरारों का मुद्दा है, और जब तक जागने राज में हम रमण नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्म जागृति का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब जानते हैं केवल महाराज की लीला जो युग माया के ब्रह्मांड में खेली गई थी, जिसके बारे में वाणी कहती है कछुक नीत कछु जागृत भये जोग माया के सिंगार जो कहे। उस महाराज की लीला के लिए 36,000 तनों को छोड़ना पड़ा था। 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि ने पलक झपकते अपने तनों को छोड़ दिया। किस लिए? उनको लगा कि हमारा प्राणेश्वर योग माया में बांसुरी बजाकर हमें बुला रहा है। किंतु हम ये भूल जाते हैं कि वाणी का अवतरण हुए तो 300 वर्षों से भी अधिक समय हो गया। वाणी की बांसुरी के बजते बजते 300 से अधिक वर्ष हो गए। हम में से कोई भी सुंदर साथ इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हम परम धाम की जो आत्माएं ब्रज में थी उन्होंने जो करके दिखाया उसका दसवां अंश भी तो हम जागने लीला में चरितार्थ कर दें। आप देखिए ब्रज की लीला तो पूरी नींद में होती है, रास की लीला स्वप्न जैसी है। आज हम ये ध्यान नहीं देते कि यदि ये सपने में आप सोने के महल में प्रवेश कर जाते हैं तो नींद टूटने के बाद जब सपना टूटता है तो सोने का महल यथार्थ में नहीं होता। उसी तरह से राज की ऐसी लीला थी जिसमें प्रीतम की तो पहचान हो गई थी, अपने घर की पूरी पहचान नहीं हुई थी। किंतु जागने के ब्रह्मांड में क्या विशेषता है? एक यही कि यहीं बैठे बैठे हम परम धाम के 25 पक्षों को देख सकते हैं, युगल स्वरूप के नक्ष से सिख तक की शोभा को देख सकते हैं। महारास में प्रेम होना स्वाभाविक था, जागनी रास में कुछ काल माया का ऐसा प्रभाव है कि हमें जान से जागृत तो कर दिया गया है किंतु माया के प्रभाव से हमारे जीव में जो विकार है वो हट नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि परम धाम के रस की अनुभूति हमें जब तक नहीं होगी तब तक ये विकार नहीं जाएंगे, और इन्हीं विकारों के कारण हम अपने आत्मस्वरूप की भावना नहीं कर पा रहे हैं। देखिए रास में जाने से पहले तो केवल एक त्याग करना था कि वीरा में अपना तन छोड़ना था, लेकिन वहां जाने पर एक अति सुंदर स्वरूप मिला जिसके साथ प्रेम करना स्वाभाविक था। ब्रज में भी कृष्ण के रूप में एक सुंदर सलोना और स्वरूप हमारे सामने था जिसे प्रेम करना सरल था। किंतु आज जागने के ब्रह्मांड में जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो अपनी आंखों के सामने हमें तो वो रास जैसा स्वरूप दिखता नहीं। जब हम सागर श्रृंगार पढ़ते हैं तो आभास होता है कि हमारे राज्य इतने सुंदर हैं, और उस सौंदर्य को शोभा को प्रेम को आनंद को आत्मसात करने के लिए हमें चितवनी के लिए जब कहा जाता है तो कहीं न कहीं हम आलस्य के शिकार बन जाते हैं, हम 100 बहाने गढ़ लेते हैं। सृष्टि में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई होगी कि अपने प्रेम के लिए एक साथ 36,000 ने अपने प्राणों का त्याग किया होगा। आराध्य एक है, प्राणेश्वर एक है,
और सभी उसको पाना चाहते हैं, बांसुरी की आवाज पर सब छोड़ देते हैं। मैं एक स्पष्ट बात कह दूं कि जागनी की लीला में भले ही हमारे पास वाणी का ज्ञान तो है, लेकिन बुढ़ापे का कष्ट हमको सता रहा है, रोग हमें हो रहे हैं, मृत्यु संगे संबंधियों का हमें देखना पड़ रहा है, राग द्वेष घृणा से हमारे मन के विकार भरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में जो रास में स्वाभाविक प्रेम हो सकता था वो हमारे पास नहीं है, और इसी का परिणाम है कि 7 बार नख से सिक तक राज जी ने अपना श्रृंगार वर्णन कर दिया है, फिर भी इस जागनी ब्रह्मांड में हम स्वयं को नहीं जान पा रहे। समाज में ऐसी भ्रांतियां भी चल रही हैं कि जागनी वाले स्वरूप को नगण्य कर दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी हंसी का कारण बनेगा। 2 हंसियां हमारे साथ सबके साथ जुड़ी हैं, जिससे कोई नहीं बचेगा। एक तो यह कि 7 बार श्रृंगार वर्णन करने के पश्चात भी हमारे हृदय में उस श्रृंगार की झलक नहीं आ पा रही है। क्यों? आप देखिए, ब्रज से रास में जाते समय किसी ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, लेकिन चितवनी के समय हमें कष्ट की अनुभूति होने लगती है। 1 घंटे आधे घंटे 2 घंटे कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता, कोई कोई होगा, टिमटिमाते दीपक की तरह जागनी ब्रह्मांड में चितवनी की प्रक्रिया चल रही है। और मार्फत सागर के 4वें प्रकरण में एक बात स्पष्ट कह दी गई है, रूहों किया हयाती सीजदा, ये आखिरी इमामत, अखंड का प्रणाम, अखंड दंडवत करूं प्रणाम, प्रकाश हिंदुस्तानी में भी ये बात कही गई है। हम इस संसार से परे होकर, बेहद से परे होकर मूल मिलाव में अपनी अंतर्दृष्टि जाएं, अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर अपने मूल स्वरूप को देखें, अपने प्राणेश्वर को देखें, युगल स्वरूप की छवि को देखें, तो माया की हमारी नींद आसानी से हट सकती है। लेकिन कैसी विडंबना है कि जिस जागने के स्वरूप के द्वारा ये जागने का सारा उत्तरदायित्व निर्वहन किया जा रहा है, उसको हम आचार्य बना देते हैं, गादीपति बना देते हैं, अपने से तुलना करने लगते हैं। हम किसी भी स्थान के स्वामित्व को ग्रहण कर सकते हैं, संसार में अपनी महिमा फैला सकते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन प्राणनाथ जी को, देवचंद जी को गादीपति बनाना, आचार्य बनाना, संत महापुरुष बनाना हमारा नैतिक अधिकार नहीं है, ये एक अपराध है, बौद्धिक अपराध, आध्यात्मिक अपराध। हमारा उत्तरदायित्व है तुम ही उतर आए अर्षित, तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श के, जो अर्श में हुआ, जो मूल मिलावे वाला है, वही तो इस जागनी के ब्रह्मांड में प्राणनाथ के स्वरूप में उजागर हुआ है। और ऐसे स्वरूप को हमें गादीपति कहना या आचार्य कहना शोभा नहीं देता। और यदि हम उस पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो ये कहना कि पहले आचार्य प्राणनाथ जी हुए, उसके बाद इतने पीढ़ियों के बाद हम भी हुए हैं, कहीं ना कहीं हम अपने सर्वेश को, अपने प्राणेश्वर को, अपने प्राणेश को कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे लिए शोभनीय नहीं है। यह सत्य है कि यदि हमारे अंदर परमधाम की ब्रह्मात्मा है, तो परात्म की दृष्टि हम उनके समकक्ष होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन इस संसार में नहीं। इस संसार में तो ये सारी शोभा प्राणनाथ को दी गई है, महामति को ये सारी शोभा दी गई है, और उनके चरणों में आकर हर ब्रह्मात्मा को ये अधिकार है कि मेदी अद्दा कर दे घर इमाम बताई राह, पहुंचे अर्श में राज में, हंस मिलिया रूह खुदा है। ब्रज के ब्रह्मांड में हमें यह सौभाग्य नहीं मिला था कि हम जान जाएं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा प्रीतम कैसा है। रास की लीला में हमें यह सौभाग्य मिला अपने प्राणेश्वर को अच्छी तरह से जानने का, लेकिन घर की सुध तो तभी भी नहीं हुई थी। इस जागने के ब्रह्मांड में शुद्ध तो क्या, हमने अक्षरातीत के हृदय में बैठकर मार्फत की उस अवस्था को प्राप्त करने का अधिकार पाया है, जो अधिकार आज तक हमें मिला ही नहीं था। परम धाम में अनादिकाल से लीला होती आ रही है। 5वीं भूमिका में राज्जी प्रतिदिन मार्फत का अनुभव कराते थे, लेकिन मार्फत में इतना डुबो देते थे कि हमें मार्फत का पता ही नहीं था कि अक्षरातीत के हृदय की मारिफत क्या है, हमारा निज स्वरूप क्या है। और इसी को समझाने के लिए रब्द हुआ, इसी को समझाने के लिए माया का खेल बना। खेल का महाकारण यही है कि अक्षरातीत को अपनी पूरी पहचान देनी थी, और ये पहचान इस जागनी ब्रह्मांड में हो रही है। तो हमें इस जागनी ब्रह्मांड के एक एक पल की गरिमा को समझना होगा,
हम संसार की संपूर्ण संपदा तो क्या, इस हद मंडल के संपूर्ण ब्रह्मांडों की सारी संपत्तियां हीरे मोती भी निछावर करते हैं, तो भी इस जागनी लीला के एक एक पल की कीमत को हम चुका नहीं सकते। जो राजी ने हमें सुनहला अवसर दिया है कि इसी संसार में बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे हंस मिलिया रूहे खुदा, हंसते हुए अपने प्राणेश्वर से मिले, हम निराशा के भौरों में डूब जाते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कर्मकांड से जोड़ा जाता है। हमको कह दिया जाता है कि तुम गृहस्थी हो, तुमसे राज्य का मिलन नहीं हो सकता, तुम राज्य का दर्शन नहीं कर सकते। हम भी सोच लेते हैं कि गृहस्थी का भार है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप इस तन से ऊपर उठिए, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, अपने परात्म को देखिए। चित्तवनी एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप यहीं बैठे बैठे जागने के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहुंचे अर्श मेराज में हंस मिलिया रूहे खुदा, जो मेराज मोहम्मद को होता है, जो मेराज श्री देवचंद जी को होता है तीन बार। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, महामती जी के धाम हृदय को जो शोभा मिली है वो शोभा आज तक कभी भी नहीं मिली थी, किसी भी स्वरूप को नहीं मिली है। कैसे? सनंद में एक चौपाई आती है कि मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहे थी मुजमा, मैं चल लिया अर्श मेराज को पर पहुंच सकिया ना, उनका मेराज अधूरा रहा, बातें हुई 90,000 और फिर भी अधूरा रहा, क्योंकि आगे की चौपाई में कहता है, कहते हैं मैं लया इस अर्थे धनी की जिन खातिर सो ताला अजू खुलिया नहीं, तो मैं पहुंचू क्यों कर। उसके भेद कब खुलते हैं? 1735 के पश्चात और श्यामा जी के पहले जामे में जो लीला होती है, आवेश जाको में देखे पूरे सुजोग माया की निध हो। उस तन से भी जागने का प्रकाश फैलना शुरू होता है। 313 को तारतम भी देते हैं, आड़ का लीला भी दिखाते हैं, यमुना जी के जल में सबको स्नान भी करा देते हैं, फिर भी योग माया की निध हो, पूर्ण पहचान अभी नहीं हो पाई है। तभी कहा है बरस 99 लो रही हुरम। 1735 से श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं, और वो दीदार होता है कब? जब महामती जी के धाम हृदय से खिलवत की वाणी उतरती है, परिक्रमा सागर श्रृंगार, ये इस समय ही बसरी सूरत को भी पूर्ण दीदार होता है, मलकी सूरत को भी दीदार होता है, और सब सुंदर साथ के लिए सुनहला अवसर प्रस्तुत कर दिया जाता है कि मेहदी हद्दा कर दे घर इमाम बताई रहा, पहुंचे अर्श में राज में हंस मिलिया रूहे खुदा, यही इस संसार में बैठे बैठे अपनी सुरता के द्वारा परम धाम को देखने का सुनहला अवसर राज ने हमें दिया है, ये सर दोबारा नहीं मिलेगा। सब सुंदर साथ जिसको देखो रोने लगता है कि राजी किस माया में डाल दिया आपने हमें, परम धाम में हम आनंद से थे, ये भी तो सोचिए राजी क्या दुखमयी है। राजी तो सपने में भी दुख नहीं दे सकते आपको, वो तो कहते हैं दुख न देऊं फूल पंखड़ी देखो शीतल है, एक पल कहते हैं कि फूल की पंखड़ी से भी किसी को मारने पर कष्ट होता है, जबकि वो तो आनंद अच्छा लगता है। यदि तुम्हें फूल की पंखड़ी से मारने पर भी कष्ट होता है तो उतना दुख भी मैं तुम्हें देना नहीं चाहूंगा, लेकिन क्या करें, इस जागने के ब्रह्मांड में हमारा जीव किन परिस्थिति से गुजरता है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, संसार में जितने भी पैगंबर हुए हैं सबने शोभा पाई है जिब्रील से, जिब्रील के द्वारा कुरान की आयतों का अवतरण होता है, जिब्रील के द्वारा गीता कही जाती है, जिब्रील के कारण कबीर जी गुई बातें बेहद मंडल की कह पाते हैं, और जिब्रील पर ब्रह्म का जो जोश है जिसको अक्षर का आवेश कह सकते हैं, जिब्रील के द्वारा ही सुखदेव जी महाराज के वर्णन करने का प्रयास कर पाते हैं। आप सोचिए वो जिब्रील जब मोहम्मद के रूप को लेकर चलता है तो सस रूप तक जाकर रुक देता है। महामती की वृत्त में वर्णन आता है कि मैं अकेले क्या, हजार जिब्रील भी आए तो उस परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। अस्राफिल फरिश्ता जिसको हम अक्षर की बुद्धि कहते हैं, वाणी की भाषा में जिसको बुद्धि जी कहा गया है, वो अक्षर की आत्मा को पहचान लेता है, और इस पहचान के कारण केवल उसको यमुना जी तक आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे इश्क का तख्त आता है और तब उस तख्त पर केवल अक्षर की आत्मा राज्य का दीदार करने के लिए मूल मिलाव में पहुंचती है।
असराफिल को वहीं रुक जाना पड़ता है। महामतिक जी के धाम हृदय में असराफिल को भी यह अवसर मिलता है कि वह अष्टपहर की लीला का पूर्णतया रस स्वादन कर सके, वह जान जाए कि युगल स्वरूप के नेक से सिक तक की शोभा क्या है। वह असराफिल जो अक्षर की बुद्धि का फरिश्ता है, सारे ज्ञान जिसमें समाहित है, उसको अनंत काल से लेकर अनादि काल से लेकर आज तक कभी नक से सिक तक युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को देखने का अवसर नहीं मिला था। जबराइल बेचारे को कहां मिल सकता था, और दुनिया जबराइल की एक कृपा दृष्ट पर आश्रित रहती है। चाहे योगेश्वर गीता का उपदेश देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण हो, कबीर जी हो, सुखदेव जी हो या भगवान शिव हो, कोई भी बिना जिब्रील की सहायता के कुछ कह नहीं सकता। और हम जो असराफिल को मालूम नहीं, जिब्रील को मालूम नहीं, राजी ने हमारे लिए नक्शे सिक तक 7 बार श्रृंगार करके अपना वर्णन दर्शा दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखिए, योग माया में पहुंचने के लिए तो एक शर्त लगा दी गई थी, स्तन से तो जा नहीं सकते थे, स्तन को छोड़ने के लिए छोड़ करके ही योग माया में प्रवेश किया जा सकता था। किंतु ब्रज में 12,000 ब्रह्म सृष्टि या 24,000 ईश्वरी सृष्टि ने प्रेम के आवेश में अपने तनों को छोड़ दिया। आज राज्य सागर श्रृंगार का अवतरण करते भी ऐसा लगता है, इस दुनिया की भाषा में कह दें तो थक जाते हैं हमारे पत्थर दिलों को समझाते समझाते, और अंत में उनको विवश होकर कहना पड़ता है, श्याबाश तुम्हारी अरवाहों को, श्याबाश तुम्हारी हड़े सखत, श्याबाश तुम्हारी बेसकी, श्याबाश तुम्हारी निस्बत, तुम्हारे कठोर हृदय को शाबाशी है कि मेरे 7 बार बताने पर भी तुम्हारा हृदय पिघला नहीं। यदि पिघल गया होता तो क्या हम ये बहाने बनाते कि काम का इतना बोझ है कि हम चितवनी नहीं कर पा रहे हैं, कमर में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है। आप उन ब्रह्मात्माओं से पूछिए जिन्होंने बांसुरी की एक आवाज पर अपने तन को छोड़ दिया। जागनी ब्रह्मांड में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है कि 4-5 सुंदर साथ ने भी चितवनी में विरह में तन छोड़ा हो। हाँ, श्री जी की अंतर्धान लीला के पश्चात कुछ सुंदर साथ ने अवश्य तन में छोड़ा, लेकिन आज जागने के ब्रह्मांड में हमारे हृदय का प्रेम कहाँ चला गया? हमारे अंदर इतनी निष्ठुरता क्यों? हमारी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है? हम तो प्राणनाथ जी की महिमा को फैलाने के लिए भी एकमत नहीं है, न तो हम उनकी वाणी को फैलाने के लिए कृत संकल्पित है, न चितवनी की विधा को सिखाने के लिए। आप सोचिए, यदि जो ज्ञान हमें सागर श्रृंगार खिलौत परिक्रमा के रूप में मिला है, यदि वो जिब्रील को मिल जाता तो परिणाम क्या होता? असराफिल को मिल गया तो होता तो क्या परिणाम होता? असराफिल तो 1735 तक प्रतीक्षा कर रहा था बेचारा, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुज्जी बरस सहस जान, 4,660 समय बीता दुनिया को भय बचा। जब उसने महाराज की लीला देखी, और अक्षर की आत्मा जिस प्रेम लीला को जानना चाहती है, जिस परम धाम के प्रेम को जानने के लिए उसने वो लीला मांगी। हम सब लीला को जानते हैं, पढ़ते हैं, सैकड़ों बार पाठ भी कर लेते हैं, उन चौपाइयों को बार बार कहते हैं, इतना भी कहते हैं कि हक नजीक से हरक से आड़ो पटना द्वार। आप देखिए, रास में पहुंचने के लिए तो आपको तन छोड़ने की अनिवार्यता थी, इस जागने के ब्रह्मांड में तो कुछ नहीं करना है, केवल जान जाना है कि युगल स्वरूप का श्रृंगार क्या है। और 24 घंटे में आधे घंटे 1 घंटे राज्य बस इतना ही तो कहते हैं कि देखो मैं कहीं दूर नहीं हूं, बैठे मासूक इत जाहिर पर दिल न लगे इत, मैं तुम्हारी प्राण नली से भी निकट तुम्हारे हृदय धाम में बैठा हूं। तुम थोड़ी देर के लिए तो संसार के कार्यों से निवृत्त हो जाओ। हम सोचते हैं कि सारे ब्रह्मांड को हम ही चला रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर का काम कैसे चलेगा? आप घर का काम तो कीजिए, 8 घंटे कीजिए, 14 घंटे कीजिए, लेकिन जो आपका प्राणेश्वर है, जो आपका आराध्य है, जो आपका सर्वस्व है, जिसकी कृपा से, जिसके आदेश के एक इशारे मात्र से हमारी पृथ्वी जैसी असंख्य पृथ्वियां पैदा होती हैं और महाशून्य में विलीन हो जाया करती हैं, हम एक छोटा सा परिवार लेकर, छोटी सी गृहस्थी लेकर, थोड़ी सी संपदा लेकर उसमें भूले हुए हैं। जो हमारा हृदय मंदिर है जिसमें वो बसता है, उसको देखने के लिए आधे घंटे भी समय नहीं निकल पाए तो इससे बड़ी बदनसीबी और कुछ नहीं होगी। जो जागनी ब्रह्मांड में आकर तारतम वाणी द्वारा वह रहस्य बता रहा है जो परम धाम में रहकर भी नहीं बताया था, हम उस वाणी को हल्के में लेते हैं। आज सारा संसार अपने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए कित संकल्पित है। अब सोचिए,
300 वर्षों से परम धाम की वाणी का अवतरण हुआ है। यदि हमारे देश में शिक्षा फैली होती हमारे समाज में, तो आज सारा संसार जो चाहे आतंकवाद कहिए चाहे विश्व युद्ध कहिए, कहीं ना कहीं इसके मुहाने पर तो बैठा है, ज्वालामुखी के मुहाने पर। आतंकवाद का ज्वालामुखी फटेगा, विश्व युद्ध का ज्वालामुखी फटेगा तो क्या कोई बचेगा? हमारा उत्तरदायित्व था सारे संसार में शांति का संचार करने का, परम धाम के प्रेम की बूंदों को छलकाने का। परिक्रमा में तो महामति जी ने भाव व्यक्त कर दिया है कि तैलोकी छक छकाऊं, फूड ब्रह्मांड पी पास जाऊं, प्रेम प्याला मैं भर भर पीऊं, त्रैलोकी छक छकाऊं, चौदे भवन में करूं उजाला, फूड ब्रह्मांड पी पास जाऊं। लेकिन हम तो अब लड़ने में ही अपना गौरव समझ रहे हैं, दूसरा गौरव समझते हैं, हम प्राणनाथ जी को राष्ट्रीय संत घोषित कर देते हैं, इससे हमें क्या उपलब्धि होने वाली है? आप कृपा करके प्राणनाथ जी की यदि महिमा नहीं बढ़ा सकते हैं तो संत महापुरुष गादीपति आचार्य और कवि के रूप में तो प्रस्तुत न कीजिए। इसको प्रस्तुत करने से पहले आप सोचिए आप कहने क्या जा रहे हैं। आप वाणी की चौपाइयों में गोते लगाइए तो आपको गरिमा का एहसास होगा कि प्राणेश्वर अक्षरातीत ने वाणी के रूप में हमें कौन सी निधि दी है, अपने हृदय की पहचान दी है, जो अनाद काल से लेकर आज तक यानी इस क्रबत के लिए खेल दिखाने के समय तक न जाने अनंत वर्ष हो चुके हैं, कभी भी अपनी पहचान यथार्थ रूप से नहीं दी थी, उसको देने के लिए वाणी आई है। उसको पढ़कर हम अक्षरातीत के एहसान को क्या याद रखेंगे, हम कितने एहसान फरामोश हो गए हैं। उनको कह देते हैं आप संत हैं, महापुरुष हैं, कवि हैं, तो आप सोचिए आप अक्षरातीत को मानवीय धरातल पर न देखिए, उनकी गरिमा को पहचानिए। आपके जीवन का एक एक पल कीमती है, उसको नकारात्मक दिशा में न ले जाइए। वाणी के प्रचार के लिए अपनी कमर किस लीजिए, आप देखिए सारे संसार में किस तरह से एक प्यास है। लोग पत्थरों पर सिर पटकते हैं, कब्रों पर सिर पटकते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की, पत्थरों की, तालाबों की, सब कुछ हो रहा है, और आपके पास परम धाम का ज्ञान है, आप लेकर उसको कमरों में बैठे हैं, मंदिरों में बैठे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, एक छोटा सा संप्रदाय बना लिए हैं। आपका ज्ञान तो सारे संसार के लिए है, परम धाम की वाणी सबके लिए आई है। अपने हृदय की संकुचितता को हटाकर सारे विश्व को लुटाने के लिए तैयार होना आपको पड़ेगा। आप कर्मकांडों से सिर टकराना बंद कीजिए। आप सोचिए कि हकीकत और मारिफत का जो ज्ञान आया है परम धाम की ब्रह्मात्माओं को दिया गया है, उनका उत्तरदायित्व है कि सारा ब्रह्मांड इस ज्ञान के लिए प्यासा था। जब ज्ञान के मोती आपको दिए गए हैं तो दोनों हाथों से खुलकर लुटाने में संकोच मत कीजिए। आप जितना लुटाएंगे राज्य उतना ही आपको देते जाएंगे। हर व्यक्ति के हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाइए। आज वो युग नहीं है कि आप घंटे घड़ियाल में ही सारी ऊर्जा लगा देंगे, पूजा पाठ पारायण में ही लगा देंगे। आपको आप सबको चितवनी के पवित्र मार्ग पर ले चलिए, जिसमें हर कोई बैठकर यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखे, जिससे वाणी का वो चरितार्थ कथन हो जाए कि हंस मिलिया रूहे खुदा। ये रोने का समय नहीं है, निराशा के भोर में डूबने के लिए ये खेल नहीं बनाया गया है। हंसते हुए प्राणेश्वर को देखिए और सबके लिए दरवाजा खोल दीजिए कि लाओ प्यार करो दीदार। तुम वाणी से अक्षरातीत की पहचान करो, प्राणनाथ जी के स्वरूप की महिमा को समझो, और यहीं बैठे बैठे अपने धाम हृदय में अपने आराध्य को देखने का इससे अच्छा सुनहला अवसर न कभी पहले मिला था न कभी मिल पाएगा। न जाने कितने चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कितने योगी यति करोड़ों हो चुके हैं इस सृष्टि में, बड़े बड़े संत महापुरुष हो चुके हैं, लेकिन किसी का आराध्य नारायण बने तो किसी के आराध्य निराकार, तो कोई बेहद मंडल में केवल पंचवासना ही जा पहुंचे। परम धाम की तरफ तो आज तक कोई जाया ही जाने का साहस ही नहीं कर पाया, बेचारा जान भी नहीं पाया। बुद्धि के सागर कहलाने वाले ने जाने कितने मनुष्य हो चुके हैं, लेकिन कौन बता पाया कि परब्रह्म का स्वरूप इस जगत से परे है। सबने इस नश्वर जगत के कणकण में खोजा था। प्राणेश्वर की कितनी अपार अनुकंपा हुई है इस सृष्टि के ऊपर, और आपको परम धाम के मूल संबंध से राजी ने वाणी दी है, तो आप इसको एक छोटा सा संप्रदाय बनाकर, एक छोटा सा पंथ बनाकर केवल कंठी तिलक में खोए बैठे हैं।
इसको छिपाने में अपना गौरव समझते हैं, आप सारे संसार में डिंडिम घोष के साथ क्यों नहीं कहते कि संसार के लोगों अपनी संकुचितता को छोड़कर तारतम वाणी की शरण में आओ, हम तुम्हें बताएंगे परम धाम का वो मार्ग, इस संसार में बैठे बैठे कैसे परम धाम को देखा जाता है। लेकिन दूसरों को उपदेश देने से पहले तो आपको स्वयं उतरना पड़ेगा, उस मधुर रस का एहसास करना पड़ेगा। आप सोचिए, जिस अस्त्रा फील से इस संसार में परम धाम के ज्ञान का प्रकाश फैला है, वो अक्सरा फील फरिश्ता महारास की रात्रि के पश्चात 1735 तक प्रतीक्षा कर रहा था, और हमें तो घर बैठे वाणी मिल जाती है। आपके घर में वाणी पड़ी होती है, लेकिन सारे कार्यों के लिए आपके पास समय है, वाणी के चिंतन के लिए समय नहीं। और जिस जिब्रील और अस्राफील ने महामती जी के धाम हृदय में बैठकर परम धाम की लीला का रसपान किया, हमें किसी न किसी माध्यम से वो वाणी दी जाती है। आज तो समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं, वाणी की चर्चा को किनारे कर दिया जाता है। मैं खेत के साथ ये कहना चाहता हूं कि कर्मकांड में जो भी धनराज की जा रही है खर्च, वो कम होनी चाहिए। आप करोड़ों के मंदिर न बनाइए, इससे कोई आत्म जागृति नहीं होगी। जितना हो सके चितवनी की विधा को फैलाइए, वाणी के प्रकाश को फैलाइए, और वाणी के प्रकाश को फैलाने के लिए मानो जैसे मंदिरों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, सरल छोटे छोटे ज्ञान केंद्रों की स्थापना कीजिए जहां से वाणी का प्रकाश फैले। सजा ये महलों की तरह मंदिरों की सजावट करके जो आप आर्थिक व्यय खर्च कर रहे हैं उसको चितवनी को फैलाने में लगाइए। आप देखिए विपसना योग, एक व्यक्ति निकलता है और पूरे विश्व में 400 ज्ञान केंद्रों की स्थापना कर देता है, ध्यान केंद्रों की। आप वाणी को जगह जगह पूरे देश में पूरे संसार में फैलाने का संकल्प क्यों नहीं लेते? आप भी परम धाम की चितवनी का मार्ग क्यों नहीं दिखाते? जिस चितवनी के मार्ग को न नारायण जान पाए, न अस्राफील, न जिब्राइल, और आपको दिया गया है तो आप उसको छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप स्वयं नहीं करते तो क्या 40 लाख की संख्या का सुंदर साथ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से अधिक सुंदर साथ, 1 लाख भी मुझे नहीं लगता कि चितवनी करते होंगे, क्योंकि आज हमारा समाज उसी कर्मकांड की राह पर चल पड़ा है जिस पर सारा संसार भटकता आ रहा है। ये जागनी ब्रह्मांड है। मैं तो आशा करूंगा कि जिस तरह से 300 वर्षों से अधिक समय से शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है, वस्तुतः ये तो महारास के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जागनी रास महामती जी के धाम हृदय से होती है, दोनों तने से 120 साल की जागनी रास होती है, और करसी लीला बरस दस्तोड़ी होसी हास बिलास के हास। 10 वर्ष श्री जी ने पन्ना जी में विराजमान होकर खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी थी, और यही हमारे जागनी रास का मूल आधार है। मैं आशा करूंगा कि सब सुंदर साथ अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखने का प्रयास करेंगे। असंभव कार्य किसके मस्तिष्क में होता है या आप अच्छी तरह से जानते हैं, नेपोलियन इस संबंध में कह दिया है, मैं उस शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा। वाणी इसलिए दी गई है कि आप अपने स्वरूप की पहचान कीजिए, चितवनी इसलिए दी गई है कि प्रत्यक्ष देखिए, और इसकी साक्षी आपको स्वयं मिलेगी कि चितवनी करने से हमें क्या मिलता है, वाणी करने का चिंतन करने से हमें क्या मिलता है। आपका यह अनादि अधिकार है, इसी इसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं चितवनी करूं कि नहीं। आप जगह जगह आशीर्वाद की भीख मांगने के लिए क्यों भटकते फिरते हैं? क्या आपको अपनी आत्मा के स्वरूप पर पहचान नहीं है? क्या आपको ये विश्वास नहीं है कि यदि आप आत्मिक भावना लेकर खड़े हो जाते हैं तो आपका प्राणेश्वर अनंत शक्ति के साथ आपके साथ खड़ा होता है? इसलिए हृदय की दुर्बलता को छोड़कर अपने निज स्वरूप को पहचानिए, अपने मूल अधिकार से चितवनी की तरफ आगे बढ़िए। आपका प्राणेश्वर महामती के व्रत में कहता है, मैं देखत तुम्हारी राह। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ मेरे इन विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे और चितवनी की महत्ता तथा वाणी के चिंतन को प्राथमिकता देंगे। प्रणाम जी। आपके चरणों में शत शत प्रणाम जी स्वामी जी। पूज्य स्वामी जी के प्रेम और नम्रता से भरपूर उनके मुखारविंद से वाणी के अमृत रस की वर्षा की यदि एक बूंद भी हृदय में उतर जाए
तो ये कठोर हृदय मोम की तरह पिघल जाएगा। आपका एक एक वचन हर ब्रह्मात्मा के दिल में ब्रह्मवाणी का वो सूर फूंकता है कि उठो, जागो, वाणी मंथन करो, टीका पढ़ो, मंथन करो और चितवन करो। आज देश विदेश के सुंदर साथ आपको सुन सुन कर धन्य धन्य हुए। यदि एक बूंद भी आज हम अपने मन में उतारे, अपने आत्म हृदय में उतारे, तो जरूर वो क्रांति आएगी जिसकी स्वामी जी हमेशा हम सबसे चाहना करते हैं। प्रणाम जी स्वामी जी, आपने अपने ध्यान में से हम सब के लिए समय निकालकर इस अमृत रस की वर्षा की, उसके लिए आपका हृदय से कोटान कोट धन्यवाद। प्रणाम जी। अब श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से ही हम सब के प्यारे लाडले श्री श्रवण जी वाणी रस का गायन करेंगे। श्रवण जी। हाँ जी बेटा, अनम्यूट कीजिए। आप सभी को आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। प्रणाम जी, आप सभी सुंदर साथ के सामने श्रृंगार ग्रंथ से फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट, हक कदम हृदय आए तब खोले अंतरपट। प्रस्तुत है। सगम धम पगम रे मरे फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागिरट। फिर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागिरट। हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए, तब खोल गए अंतर पट। फिर पैर चरण को निरखिए, रूह को यही लागिरट। गुण के ते कहूँ इन चरण के, आवे नमाहे सुमा। गुण के ते कहूँ इन चरण के, आवे नमाहे सुमार। यही वास्ते खेल दिखाया, यही वास्ते खेल दिखाया, रूह देख से देखन हार। फिर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागिरट। वर्णन करत हो इन चरण के, अर्श सूरत हक जात। वर्णन करत हो चरण के, अर्श सूरत हक जात।
एनेक कहूं हक हुक्मे शोभा शब्द न इत समात फिर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रटे कही सूक्ष्म सूरत अमरद की एक कदम भी तीन माफक कही सूक्ष्म सूरत अमरद की एक कदम भी तीन माफक रस रंग शोभा सलूकी रस रंग शोभा सलूकी देख अरस सहुरे हक सहुरे हक फिर चरण को निरखिए रूह को यही लागिरत हक कदम हृदय आए हक कदम हृदय आए तब फूल गए अंतर पट फिर चरण को निरखिए रूह को यही लागे रूह को यही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी।